नमस्कार दोस्तों, सिनेमा के प्रति लोगों का जो रुझान है वो दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है। पहले लोगों को रोमांटिक फिल्म पसंद आती थी, फिर थ्रिलर फिल्म पसंद आने लगी, फिर एक्शन फिल्म पसंद आने लगी। अब जो दौर है पूरी तरीके से बदल चुका है। लोग कंटेंट ओरिएंटेड फिल्में देखना पसंद करते हैं, न कि कोई स्टार आया बॉडी दिखाया ऐसे ऐसे नाचा उसके आधार है भाई भाई एक नंबर पिक्चर मज़ा आ गया। ऐसा दौर नहीं है। अगर आपकी एक्टिंग में दम है, अगर आपकी कंटेंट में दम है, अगर आपकी फिल्म का बैकग्राउंड भी अच्छा है तो पिक्चर चलेगी नहीं, दौड़ेगी मेरे भाई। कांतारा उसका एग्जाम्पल है, कार्तिकेय 2 उसका एग्जाम्पल है। कार्तिकेय 2 और कांतारा आने से पहले कौन ऋषभ शेट्टी और निखिल सिद्धार्थ को जानता था, लेकिन उनकी जो फिल्में थी कार्तिकेय 2, फिल्म की स्टोरी भी दम था, एक्टर की परफॉर्मेंस भी दम था, जिसके कारण लोग उस फिल्म से अट्रैक्ट हो गए और नॉन हिंदी फिल्म होते भी इन फिल्मों ने हिंदी बेल्ट में तहलका मचाया। तो ज़्यादा कुछ चर्चा वर्चा नहीं करेंगे, अपन सीधा टॉपिक में आते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ बोलने लगता हूँ तो भावना में बह जाता हूँ। भावना में बह जाऊँगा भाई, क्योंकि आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, अब मेरे अंदर इमोशन है तो बह जाता हूँ, स्नेह प्रेमी आदमी। अब मेरे को वेब सीरीज की बात करना है, लेकिन मैं फिल्म का बात कर रहा हूँ, यही हुआ ना इमोशन, बह जा रहा हूँ। तो चलिए वेब सीरीज के बारे में बातचीत करते हैं। वेब सीरीज में जिस प्रकार मैं एकदम जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ ना, ठीक उसी प्रकार से वेब सीरीज के आने के बाद लोगों का जो नज़रिया है सिनेमा देखने का वो जल्दी जल्दी मतलब बदल चुका। तो दोस्तों, भारत में सेक्रेट गेम्स और मिर्ज़ापुर जैसी वेब सीरीज आई जिसने लोगों के बीच तहलका मचा दिया। इस कंटेंट को देखने के बाद लोग पागल हो गए और जम की तारीफ करने लगे। तो आज मैं आपको इंडिया ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे 5 बेहतरीन वेब सीरीज के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो सब्र करिए और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है द साइलेंट सी का। ये एक कोरियन वेब सीरीज है जिसे काफ़ी ज़्यादा पसंद किया, सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर ये वेब सीरीज है। द साइलेंट सी नाम पर मत जाइए, क्योंकि इसका काम जो है बोलता है, साइलेंस है मतलब पिक्चर साइलेंस नहीं है, वेब सीरीज साइलेंस नहीं है। काफ़ी तहलका मचाया और कोरिया ही नहीं जो दुनिया भर में वेब सीरीज ने तहलका मचाया। इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है फ्लावर ऑफ इविल का, जिसे हिंदी में दुरंगा नाम से बनाया गया है। दुरंगा वेब सीरीज जो कि इन दिनों तहलका मचा रही है, जिसे काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा था, ये भी एक रिमेक है भाई। मेरे को जो लगा था कि दुरंगा वेब सीरीज एक ओरिजिनल वेब सीरीज है, लेकिन मैं भी धोखा खा गया जब देखा कि द इविल ऑफ फ्लावर नाम की वेब सीरीज का ये हिंदी रूपांतरण है, जिसमें गुलशन देवैया और दृष्टि धामी ने मुख्य भूमिका निभाई। अब द फ्लावर ऑफ इविल पे आ जाते हैं। द फ्लावर ऑफ इविल एक ऐसी वेब सीरीज है जिसे दुनिया भर में पसंद किया गया, न सिर्फ कोरिया बल्कि ये भी एक कोरियन वेब सीरीज है। अब कोरियन वेब सीरीज की बात हम चर्चा कर रहे हैं, तो कोरियन वेब सीरीज की ही बात करेंगे। द फ्लावर ऑफ इविल एक ऐसी कोरियन वेब सीरीज है जिसने तहलका मचा दिया, जिसे काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। एकदम फाड़ू टाइप का वेब सीरीज है। इसके नाम पर मत जाए, फ्लावर नहीं है, फायर है, मतलब सच में एकदम पुष्पा वाला फायर है द फ्लावर ऑफ इविल। इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। इस सीरीज की कहानी है पुलिस ऑफिसर के इर्द गिर्द घूमी गई। एक पुलिस कर्मचारी है, उसके केस मिलता है, उस केस की वो छानबीन करती रहती है, दिन भर भटकती रहती है, बहुत सारे उसके लाइफ में डिस्ट्रैक्शन आते रहते हैं। इसी बीच उसे पता चलता है कि जिस केस के पीछे वो पड़ी हुई है, उस केस के तार उसके पति के साथ मिले हुए हैं, तो वो शौक हो जाती है। घर में छोरा और सहार बने ढिंढोरा वाला काम इस सीरीज में होता है। तो द फ्लावर ऑफ इविल काफ़ी शानदार सीरीज है। इसमें काफ़ी सारे मारधाड़ वाले सीरीज, काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स है। अगर आपको सस्पेंस थ्रिलर जोनर की फिल्में पसंद है तो आपको द फ्लावर ऑफ इविल काफी ज्यादा पसंद आएगी। इस लिस्ट में तीसरा नाम आता है द कॉन्फिडेंशियल असाइनमेंट का। इसके नाम से पता चल रहा है कि एक कॉन्फिडेंशियल इस पर बनने वाली सीरीज है। इसे उस दौरान काफी ज्यादा पसंद किया गया। यह कोरियन वेब सीरीज थी। इसकी कहानी एक जासूस के इर्द गिर्द बुनी गई है। एक जासूस जिसे लोग पकड़ने का प्रयास करते हैं और साउथ और नॉर्थ कोरिया आपस में लड़ते रहते हैं, मतलब साउथ और नॉर्थ कोरिया की जो टीम है उसे पकड़ने का प्रयास करते रहते हैं। वैसे अगर हम वेब सीरीज की कहानी छोड़ दें तो साउथ और नॉर्थ कोरिया एक्चुअल जीवन में भी मतलब वर्तमान जीवन में भी एक दूसरे के साथ चूहे और बिल्ली टाइप के लड़ते रहते हैं। तो इस सीरीज की जो कहानी है एक जासूस को पकड़ने की कहानी है। द कॉन्फिडेंशियल असाइनमेंट इसका नाम ही है। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कॉन्फिडेंशियल असाइनमेंट एक ऐसी सीरीज है जो सुरक्षा संबंधी मामले पर आधारित है। इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया। सीरीज में काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स है, जिसे काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया। अगर आपको विजय सेतुपति की पिज्जा पसंद आई, अगर आपको दिशम 2 पसंद आई और जॉन इब्राहम की रोमियो अकबर वाल्टर तो अच्छी फिल्म नहीं थी, लेकिन अगर वो भी पसंद आई है तो आपको द कॉन्फिडेंशियल असाइनमेंट काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। थ्रिल और सस्पेंस से भरपूर है। अब बार बार उसी चीज़ का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जितनी भी फिल्में हैं बार बार थ्रिल और सस्पेंस से का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी वेव उसी के चल रहा है। दिशम 2 थ्रिल और सस्पेंस से भरपूर थी, उससे पहले भी 2-3 पिक्चर आई थी, कार्तिकेय 2 कहीं ना कहीं थ्रिल से भरपूर थी। तो ये जो इतना सारा चर्चा विचार सुमर गहन चिंतन मनन कर रहा हूँ तो सस्पेंस थ्रिलर जोनर की वेब सीरीज के बारे में बता रहा हूँ। तो ये जो कॉन्फिडेंशियल असाइनमेंट है वो सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर है, तो जाइए इसे देखिए, सबर करिए भाई। इस लिस्ट में चौथा नाम आता है। अब एकदम सीरियस होकर थोड़ी बोलूँगा भाई, इंटरटेनमेंट भी जरूरी है। अब ऐसे लाइन मार से बोलूँगा तो आपको भी लगेगा कि लाइन मार से बोल रहा है, कुछ कह ही नहीं रहा है। तो इस लिस्ट में चौथा नाम आता है वह ठीक है ऐसा नहीं है भाई, मास्टर नाम है मतलब विजय सेतुपति का पिक्चर नहीं, ये एक कोरियन ड्रामा फिल्म है जिसे काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। इस फिल्म की जो कहानी है वो साइबर अपराध पर आधारित होने वाली है। कैसे जो हैकर्स होते हैं, जो साइबर सेल के एक्सपर्ट होते हैं, वे अपनी ताकत का गलत प्रयोग करते हैं, लोगों को फंसाते हैं। तो एक पुलिसकर्मी अपॉइंट
होता है, लोग परेशान रहते हैं कि आखिर क्या हो रहा है, पुलिस क्या कर रही है, तो एकदम हीरो टाइप का एंट्री होता है, एकदम मतलब मास मसाला हीरो टाइप का एंट्री होता है इस फिल्म में। फिल्म की जो कहानी है वो साइबर अपराध के इर्द गिर्द बुनी गई है। आप लोग फोन पे चलाते हो, आज हम काफ़ी स्मार्ट हो चुके हैं, काफ़ी आगे निकल चुके हैं। अब लोगों को लग रहा है कि मैं रट्टा मार के बोल रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है, सामने मोबाइल रखा है उसको मैं देख के पढ़ रहा हूँ। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी है। आज के डेट में किसी का जो जीवन है वो पर्सनल नहीं है, सभी फेसबुक इंस्टा व्हाट्सअप के जरिए मतलब ऑनलाइन मीडिया में जुड़े हुए हैं, तो कोई ना कोई हमें 24 घंटे देख रहा होता है, हमें ट्रैक कर रहा होता है। तो इसी के इर्द गिर्द इस फिल्म की कहानी बनी गई है, साइबर अपराध के इर्द गिर्द मास्टर फिल्म की कहानी रची गई है। एक जो हैकर होता है जो लोगों की जो डेटा है उसे हैक कर लेता है, उसका दुष्प्रयोग करता है, तो उसी के खिलाफ एक पुलिस अपॉइंट होता है, पुलिस कर्मचारी। क्या पुलिस अधिकारी उस साइबर अपराधी को पकड़ पाएगा या नहीं, यही फिल्म की मेन कहानी होने वाली है। इसी से पाँच नंबर पर है स्क्वाड गेम, जिसके बारे में मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है, लेकिन बता ही देता हूँ भाई, वीडियो बना रहा तो बताना तो पड़ेगा। स्क्वाड गेम को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया, काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स इस सीरीज में थे। यह कोरियन सीरीज और कोरिया जो इंडस्ट्री है, एक कोरियन सीरीज और कोरियन इंडस्ट्री के इतिहास में सबसे ज़्यादा इस सीरीज को पसंद किया गया है। इस सीरीज में जितने भी एक्टर थे, जिन्होंने नेगेटिव रोल किया है, जिन्होंने पॉजिटिव रोल किया है, जिन्होंने सपोर्टिव रोल किया है, सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है। सबका काम काफ़ी शानदार था, सब ने काफ़ी अच्छा काम किया था। जैसे कि महाभारत जो सीरीज थी, महाभारत के जितने भी कलाकार थे, महाभारत जो साल 1980 के दशक में आई थी, उसके जितने भी कलाकार थे सब ने काफ़ी अच्छा काम किया। आज लोग अर्जुन को भी जानते हैं, विष्णु पितामह को भी जानते हैं, मतलब उस टीवी सीरियल में जितने भी कलाकार थे सभी ने एकदम शानदार काम किया, जिसकी बदौलत आज भी फैंस उन्हें जानते हैं। ठीक उसी प्रकार स्क्वाड गेम के जितने भी कलाकार हैं, चाहे मुख्य कलाकार हो, चाहे सपोर्टिंग कलाकार हो, चाहे नेगेटिव वाला किरदार हो, चाहे पॉजिटिव रोल निभाने वाला किरदार हो, और फिल्म के डायरेक्टर, फिल्म के प्रोड्यूसर, सबको मतलब वो बधाई के पात्र हैं कि इतना शानदार तरीके से स्क्वाड गेम को बनाया है। कोरियन फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास की सबसे अच्छी और सबसे चर्चित वेब सीरीज की गिनती में स्क्वाड गेम की गिनती होते हैं। स्क्वाड गेम की सफलता के बाद इस फिल्म के मेकर ने स्क्वाड गेम 2 का ऐलान कर दिया है, तो दिल थाम के रखिए, बहुत ही जल्द स्क्वाड गेम 2 आने वाला है। तो दोस्तों ये रही टॉप 5 वेब सीरीज जिसे काफी ज्यादा पसंद किया गया, अभी पसंद किया जा रहा है, तो किस बात की देरी है भाई। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो किसी से उधारी लीजिए, अगर आपके पास सैलरी नहीं आया है तो अपने जो बॉस है उससे एडवांस में सैलरी लीजिए, और अपने मोबाइल को रिचार्ज कराइए। नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन, जितने भी OTT प्लेटफॉर्म है उसको रिचार्ज करिए, और अभी के अभी तुरंत की तुरंत इन सारे वेब सीरीज को देख लीजिए। मेरे को कमेंट करके बताइए ये वेब सीरीज आपको कैसे लगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।